एम वाई एच जी एक्स एम वाई बनी हुई है, कहाँ को जाती है, कहाँ से जाती है? ये इधर से ऐसे, हाँ चलाइए ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ चलाते जाइए जहाँ से जाते। कसके दूलो पा घुमाना है, खोपड़ी नहीं घुमाना। जय हिंद, जय हिंद, ठीक हो? यस सर। जय हिंद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। कैसे आप सभी? बहुत सारे बंदों के कमेंट थे, यहाँ पर अग्निवीर के पूरे स्टूडेंट हैं और यहाँ पर 6x6 में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही है, कलर विजन में दिक्कतें हो रही है। आइए प्री मेडिकल के तौर पर हम इन बच्चों का टेस्ट आपको दिखाते हैं। और ये प्री मेडिकल टेस्ट मतलब ये एक डेमो के तौर पर है और ये डेमो के तौर पर हम आपको दिखाएंगे कि इंडियन आर्मी में यानी अग्निवीर के जितने भी भर्ती देखने जाते हैं स्टूडेंट, उनका मेडिकल किस तरह का होता है आँखों का। तो डाउट में मत रहिए, कोई फाइनल मेडिकल नहीं है, ये डेमो के तौर पे दिखा रहे हैं कि इस तरह का होगा। और इस तरह यहाँ से यहाँ की दूरी पे ऐसे पढ़ाया जाएगा। अगर आप ऐसे पढ़ नहीं पाते तो ऐसे बाहर हो सकते हो, पढ़ लेते हो तो नहीं बाहर होगे। सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर होंगी और आपको भी एक अनुभव मिलेगा यहाँ खड़े होने का, उस दूरी को पढ़ने का, स्क्विंट में कैसे पेन के साथ आँखों को घुमाना होता है, कलर विजन में कैसे अक्षर को पढ़ना होता है, कैसे रास्ते को घुमाना होता है, वो सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। आइए शुरू करते हैं। एक बंदा खड़ा हो जाओ सबसे पहले 6x6। एक चीज बता दूं, बहुत सारे बंदों को 6x6 का मतलब बता देता हूं। यहां से और वहां की दूरी 6 मीटर की होती है, यानी यहां एक आंख से नीचे तक के अक्षरों को पढ़ना 6x6 बोलते हैं, दूसरे आंख से उन अक्षरों को ना पढ़ पाना 6x के बाहर होता है, 6x9, 6x12, 6x13। अगर एक आंख से पढ़ लेते हो तो इस आंख में 6x6 है, इसमें अगर 6x नीचे वाली लाइन नहीं पढ़ सकते तो 6x9 है, ये होता है। अगर इस बाई ये 6x6 है, ये 6x9 है तो फौज में चल सकता है, लेकिन 6x6 है, 6x15, 12, 11, 10 है तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं करना, लाइन पे खड़ा हो जा, खड़ा हो जा लाइन पे, इधर को खड़ा कराओ इसको, इधर आगे। अरे तुमको खड़ा होना भी नहीं पता यार, मैं बोलता था ऐसे खड़ा हो ना, ये ऐसे खड़ा हो, चल खड़ा हो, खड़ा हो, साइलेंट रहेगा। एक चीज याद रखो, जितने भी दर्शक हमारे वीडियो देख रहे हैं, क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ आपको? सुनाई दे रहा हूँ तो कमेंट करिए हाँ, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे इसको, 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 यहाँ तक तो आप पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन अगर आपकी आंख में दिक्कत होगी तो आप नीचे वाले अक्षरों को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम शुरू करेंगे। जब भी बोलेंगे जिस पे यहाँ पे पेन रखेंगे, जिस अक्षर पे, उस अक्षर को आपको इंग्लिश आती है ना, ABCD आती है, तो आपको आवाज देना है। ओ लिखा है कि एच लिखना है, कि यम लिखा है, कि यू लिखा है, कि एक्स लिखा है, वो भी तेजी के साथ बोलना है। ठीक है, चलो। ए ओ एच एक्स ओ टी एम यू एक्स वी एक्स एम वाई एच टी यू ए। जैसा कि आपने इधर देखा, इधर सारे के सारे अक्षरों को इस आंख से इन्होंने पढ़ के दिखा दिया है, इसका मतलब इनकी आंख 6x6 है। अब दूसरी आंख पे चेक करते हैं, दूसरी आंख पे लगा दो, दूसरी आंख पे। ठीक है, चलिए। ओ एच एक्स वी टी वाई वी एक्स एम वाई एच टी यू ए। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आज 6x6 दोनों आंखें आपकी। आप अग्निवीर की भर्ती देखने जाएंगे, पुलिस की भर्ती देखने जाएंगे, अदर फोर्सेस की भर्ती देखने जाएंगे, आपको 6x6 में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक पॉइंट और दिखाते हैं, बने रहिए वीडियो पर। यहाँ पर हम ये दिखाएंगे कि आपको इस तरह खड़ा होना है, खोपड़ी पकड़ो पीछे से, आपका जो पेन का निप होता है, दोनों आंखों से इस निप को यानी इस छर्रे को आपको देखना है। जहां भी ये छर्रा जाएगा यानी ये निप जाएगा, उधर दोनों आंखों के इस तरह घुमाना है, यानी एक आंख को इधर नहीं ना दूसरी आंख को इधर, दोनों को एक साथ मूव करेंगे। अगर दोनों आंखें इनकी एक साथ मूव होती है, ऊपर नीचे दाएं हर जगह मूव होती हैं, तो इनको स्क्रिंट की प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये मूव नहीं करते हैं, इनकी आंखों में थोड़ा यानी जंप होता है, आंखें हिलती हैं, तो स्क्रिंट की प्रॉब्लम हो सकती है। आप थोड़ा नजदीक से कैमरा लाएं, इधर हम आपको दिखाते हैं, आप सिर्फ इसी को देखेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे। जहां पर आपकी ये पिन जाएगा उधर आपको आग घुमाना है, खोपड़ी नहीं घुमाना। ओ
उससे नज़र नहीं हटाना, अगर उससे नज़र हटा लेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर इनको स्किन्ड की भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट मेडिकल क्या होता है? आँखों का। एक बंदे की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर ये कलर विजन की बुक है, आपको दिखा देता हूँ पहले, इनको पढ़ाने से पहले। यहाँ पर इस घेरे के अंदर यहाँ पर अक्षर लिखे हुए हैं, वो अक्षर आपको पढ़ के बताना है। जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे, अंदर जाते जाएंगे, अंदर जाते जाएंगे, डीप करके आपको अक्षर थोड़ा जब डीप करके पढ़ेंगे तब पढ़ पाएंगे। इसके बाद लास्ट में आपको रास्ताएं मिलेंगी, इन रास्ताओं पे उंगली चलाना है। अगर आप ये सारी की सारी बाधाएं पार कर गए तो आप कलर विजन पास हो गए। तो बहुत सिंपल है, वीडियो में बने रहो, कमेंट करते जाइए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप देखो इधर हम दिखाएंगे, इधर आ जाओ, थोड़ा पास आ जाओ, थोड़ा कैमरा नजदीक लाओ। अब देखते हैं कहाँ तक ये पढ़ पाते हैं। 12, 8, 9, 29, 57, 2, 6 ये नहीं पढ़ रहे, समझ नहीं आ रहा। 2, 2, 2 चलिए आगे बढ़ते। इनको ये पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ऐसे ही दिक्कत होती है उन बच्चों को, ठीक है, ठीक है। ये 5, ये 15, ये 74, ये 15, 2, 6, ये 6, नहीं 45, सही से पढ़िए ना। 5, जल्दबाजी मत करिए, जल्दबाजी करेंगे फेल हो जाएंगे। 16, 73, चलिए इधर पर उंगली चलाइए, इस पर लाइन कहाँ से जाती है? चमक, चलाइए चलाइए चलाइए, हाँ कहाँ को लाइन, लाइन ये लाइन बनी हुई है कहाँ को जाती है, कहाँ से जाती है? ये इधर से ऐसे, हाँ चलाइए ऐसे, हाँ ऐसे, हाँ चलाते जाइए जहाँ से जा रही है, हाँ ऐसे चलाते जाइए, हाँ ऐसे आई, हाँ ऐसे, ना ना ये नहीं मान। ऐसे बंदों को दिक्कत हो सकती है, जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़ी देर वेट करिए, क्योंकि चमक भी रहा है, सूरज भी चमक रहा है। अभी दोबारा पढ़ा के दिखाते हैं कैसे पढ़ना। बैठ जाइए नीचे साइड, उधर बैठ जाइए, ठीक है। क्या आप तैयार हैं? यस सर। क्या नाम है आपका? महेश सिंह। कहाँ से है? फतेहपुर। ठीक है, आपने कभी मेडिकल दिया अग्निवीर का? नहीं सर, पहली। किसी भी कोर्स का? नहीं सर। तो कभी आपको पता चला कि मेरी 6x6 नजर है कि 6x9 है कि 6x12 है? सर फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, चलिए। सर धुंधला दिख रहा। तो क्या पूरी तरह से ही नहीं दिखता क्या? सर वो धुंधला दिख रहा है पूरी तरह से। दूसरी आंख लगाओ जरा इसकी। सर ये भी मतलब धुंधला दिख रहा है। कोई अच्छा ही नहीं दिख रहे क्या? दिख रहा ऊपर वाला बड़ा वाला, ये वाला दिख रहा है बस। नीचे वाले ये नहीं दिख रहे, धुंधला है। मतलब यहाँ तक दिख रहा है ये? हाँ ये सब दिख रहा है। ये भी दिख रहा है? हाँ ये भी दिख रहा है। ये सर हल्का हल्का दिख रहा है। क्या तुमको पूरी तरह नहीं दिखता क्या? सर दिखता। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, वो सुबह वर्कआउट की वजह से हो सकता है। तो ऐसा करो कि तुम इसके लिए पानी लेकर आओ, मुंह धुलाओ इसका थोड़ा, जल्दी दो, उधर धुलो मुंह कस के, बढ़िया सा रिलैक्स करो, उधर मुंह धुलो कस के धुलो। चलिए बैठ जाइए थोड़ी देर, इधर इधर बैठो, इधर सामने बैठो। नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी कवर करो आंख इसकी, जल्दी आंख में जोर मत दीजिएगा। A O X X Y T O V V T V Y, अरे नीचे लगा रहे। U X I A H V Y, पर Y दिख रहा है। V M दूध लगा रहे। दूसरी आप चेंज करो,
वाई यू एक्स आई ए एच वी वी एक्स एम वाई एच टी यू ए। दूसरे हाथ पर फिर से लगा दोबारा, जिससे नहीं पढ़ पा रहा था सही से। वाई वी एक्स एम वाई एच टी यू ए। जल्दबाजी नहीं करना बेटा, कभी भी मेडिकल पे देने जाओगे ठीक है तो आंख को बंद नहीं करना। अगर आपको आंख को बंद कर लोगे तो थोड़ी देर धुंधला नजर आएगा, दिखाई नहीं देगा ठीक है। एक सेकंड इधर खड़ा हो, चल आ जाइए इसको दोबारा से दिखाओ, खड़ा हो, खड़ा होते आंख पूरी तरह नाक पे लगाओ। आप कर क्या रहे हैं, आप यहाँ पे लगाओ ना इस तरह, आंख बंद मत करो उसकी। ओ एच एक्स वी टी वाई यू एक्स आई ए एच वी वी एक्स एम वाई एच टी यू ए। दूसरी हाथ पे चलो, टी वाई यू एक्स आई ए एच वी वी एक्स एम टी वाई एच टी यू ए। जैसा कि आप लोगों ने देखा, इस बच्चे को दिक्कत हो रही थी आंखों में, इसने आंख बंद की होगी, उसे धुंधलापन नजर आ रहा था। अभी आंख को रिलैक्स किया, दोबारा मुंह धुला, थोड़ी देर बैठा रहा आंखों में। ऐसे बहुत सारे बंदे होते हैं, मैं आपको बता दूं, जब भी आप मेडिकल पे जाइएगा आंखों को और चेहरे को बंद करके मत बैठिएगा ठीक है। आंखों को दबाइएगा मत, जैसे ये दिखाइए मुझे, जैसे ये लगता है ना, ये पे लगता है तो जैसे वहां पर कोई भी जवान रहेगा तो इस तरह नहीं लगाएगा, वो इसी तरह लगाएगा। तो आपको ये इस आंख को नहीं बंद करना, अगर इससे पढ़ रहे तो बंद नहीं करना, इसको खुला रखना है। अगर आप बंद कर देंगे तो थोड़ी देर के लिए धुंधला नजर आएगा, फिर आपको दिक्कतें हो सकती हैं, आप अनफिट भी हो सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद।